क्या आपको पता है कि फास्टनिंग सिस्टम जिसे हम वेलक्रो कहते हैं उसकी शोध एक एक्सीडेंट थी? कुछ और ही चीजों पर काम करते हुए उसकी शोध हुई थी। जेबी मूवी क्राफ्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जय बदियानी। इस सीरीज में हम कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स को समझने की ट्राई करते हैं और फिर वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पेपर्स हैं जिसको पढ़ के समझ के आप बोल उठेंगे कि वाह भाई मजा आ गया। प्लीज कमेंट इफ यू लाइक और डिसलाइक एट बिलो एंड इस फ्री चैनल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। नियमित नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिनली हुक एंड लूप फास्टनर की कल्पना 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल ने की थी। आल्प्स पर्वतों में अपने कुत्ते के साथ घूमने गए, शिकार करने गए, उनके बाद एक दिन बाद उनको ये विचार आया था कि अपने कपड़े और कुत्तों की जो चमड़ी होती है फर जैसी, उस पर कुछ बर्ड के बर्स चिपक गए थे और वो चिपकने वाली चीज उन्होंने जांच की, उस चीज की माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रखा और उनको दिखा कि सैकड़ों हुक्स उसमें है जो किसी भी चीज के साथ चिपक सकते हैं, जैसे कि जानवर के फर है, बाल है या फिर कपड़े है। उन्होंने सरल अंदाज में दो सामग्रियों को उल्टा बांधने की संभावना को यहां पे देखा। उनको पता लगा कि लूप की नकल कैसे की जा सकती है। हुक एंड लूप की सिस्टम को स्टीवन वोगेल और वर्नर नचिगेल ने भी देखा और प्रकृति से प्रेरणा या कह लो कि प्रकृति की नकल यहां पे उन्होंने की, जिसको बायोनिक या बायोमिमिक्स कहते हैं। इसके ये प्रमुख उदाहरण है कि प्रकृति की नकल करके हम कैसी चीजों को बना सकते हैं। डी मेस्ट्रल के इस प्रस्ताव को शुरुआत में इंडस्ट्रीज ने नकार दिया था। उद्योग के नेताओं ने बोला कि भाई ये कोई काम की चीज ही नहीं है, पर अगर ये काम की चीज हो सकती है, अगर वो टाइटली बांधा जा सकता है, वो छूटता नहीं है, तो उनके विचार में डी मेस्ट्रल फिर इसको लियोन नाम के एक शहर में ले गए। वो बुनाई का केंद्र था। वहां पे उन्होंने एक बुनकर की सहायता प्राप्त की, जिसने डे मेस्ट्रल को डिजाइनों के आधार पर दो कपास रुई की स्ट्रिप्स का उत्पादन किया। हालांकि कपास ने अपेक्षाकृत काम तो किया, पर वो फटा भी जल्दी, तो कपास में उनको निष्फलता मिली और उन्होंने कुछ और रिसर्च शुरू किया कि कौन से कपड़े पे ये मैं मेरी लूप एंड हुक वाली सिस्टम लगा सकता हूं। तो उन्होंने वो सिंथेटिक फाइबर चुने और सिंथेटिक फाइबर में भी लचीलापन ज्यादा होने की बजाय ज्यादा होने के लिए उन्होंने नायलॉन सिलेक्ट किया और वो आसानी से फंसता भी नहीं था या मोल्ड को आकर्षित भी नहीं कर सकता। वो गैर बायोडिग्रेडेबल है, उसको बायस कोई भी कीटक उसको नाश नहीं कर सकते थे और उसको अलग अलग मोटाई के धागों में भी उत्पादित किया जा सकता था। नायलॉन का उसी टाइम आविष्कार हुआ था और डी मेस्ट्रल ने माध्यमों से पता चला कि जब गर्म इंफ्रारेड लाइट में अगर नायलॉन को सिला जाता है तो नायलॉन छोटे हुक जैसे आकार में बन जाते हैं। हालांकि उस प्रक्रिया को मशीनीकृत करने और लूप किए गए पक्ष को बनाने का एक तरीका मालूम ही नहीं था, तो उन्होंने पाया कि नायलॉन का धागा जब लूप में बुना जाता है और गर्मी जब होती है तो वो हुक आकार का बनता है, और जब वो गर्मी नहीं रहता है, गर्मी को ठंडा किया जाता है, तब भी वो अपने आकार को बनाए रखते हैं और लचीला भी होता है। हालांकि एंड्स जो है उसको सही जगह पर काटा जाना था और वो काटे जाने से कई बार वो बांधा और छोड़ा जा सके। उन्होंने कैंची की एक जोड़ी खरीदी और लूप्स के ऊपर के टॉप्स को ट्रिम किया। इस तरह से हुक बनाए जो कि बहुत बार लगते थे, बहुत बार चिपकते थे और फिर बहुत बार उसको छोड़ा भी जा सकता था।
हुक बुनने की इस प्रक्रिया में करीब करीब 8 साल लग गए, उसके मशीन बनाने में 8 साल लग गए और लूम बनाने के लिए एक और साल लग गया, जिसने लूप बुनने के बाद ट्रिम कर भी साथ में कर दिया। सभी में ये सारी की सारी मशीन वाली प्रक्रिया में करीब करीब 10 साल लग गए। सो 1941 to 51 में डे मेंस्ट्रल ने एक पेटेंट के लिए रजिस्टर किया और 1955 में उनको ये पेटेंट मिला। कुछ ही वर्षों में उन्होंने पेटेंट प्राप्त करके जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, इटाली, नेदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा में अपने स्टोर्स खोल लिए। 1957 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैनचेस्टर में न्यू हैम्पशायर के टेक्सटाइल सेंटर में दुकान खोली। उस दुकान खोलने के बाद अमेरिका में ये 1959 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया होटल में एक फैशन शो में दिखाया गया और वहां पे बहुत सारे इसके प्रकाश उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। पर जब नासा ने इसको यूज किया स्पेस में ले जाने के लिए तो यह बहुत ही लोकप्रिय हो गया और आमतौर पर इसका बहुत यूज होने लगा, जो कि स्नीकर्स, जैकेट, शूज और बहुत सारी चीजों में होने लगा था। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।